गाइस, शाओमी ने हाइपरवेस का जो रोल आउट है वो स्टार्ट कर दिया है और आज की डेट में भी काफ़ी सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनके लिए यहाँ पर हाइपरवेस का अपडेट जो है वो एंड्रॉइड 14 के साथ शाओमी ने रिलीज़ किया है। कुछ वर्जन्स ग्लोबल वाले हैं, कुछ इंडियन वर्जन है जिनको इंडिया के अंदर भी हाइपरवेस का अपडेट जो वो शाओमी दे रहा है। इवन यहाँ पर कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं जिनके लिए यहाँ पर पब्लिक रोल आउट जो है वो स्टार्ट है और काफ़ी सारे अपडेट जो वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यार, इस वीडियो में आप सभी के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी टेक न्यूज़ है। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक ज़रूर दे। तो चले करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपडेट्स की बात करूँ तो भाई देखो, सिस्टम ऐप के जो गूगल की तरफ से अपडेट है ये काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए रिलीज़ किए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर आप रेडमी जो 12 5G मॉडल है यूज़ करते हो तो यहाँ पर 4G और 5G दोनों मॉडल्स के लिए गूगल की तरफ से ये जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट है वो रिलीज़ किया गया है, जो कि 70 MB का। ये काफ़ी छोटा एक अपडेट होता है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। और यहीं पर शाओमी 11i हाइपर चार्ज का भी अपडेट जो वो रिलीज़ किया गया, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप रेडमी नोट टेन एस यूज़ करते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर गूगल प्ले सिस्टम का जो अपडेट है वो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है, जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 10 Pro या फिर Max अगर आप यूज करते हो तो भाई उसके भी अपडेट जो है वो यहां पर अवेलेबल है गूगल सिक्योरिटी पैच के, जिनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ऑलमोस्ट इनके जो साइज है वो सेम यहां पर देखने को मिले हैं। गैस, यहाँ पर आप पोको X6 Pro जो 5G मॉडल अगर आप यूज़ करते हो, यानी कि रेडमी के 70, उसके साथ ही यहाँ पर 1.0.11.0 का एक नया अपडेट जो है वो शाओमी ने इन डिवाइसेस के लिए रिलीज़ किया, जो कि यहाँ पर ओनली 41 MB का है। और यहाँ पर एक नया अपडेट जो है वो पोको X6 Pro के लिए जो है वो इंडिया में भी देखने को मिला, जो कि बहुत बढ़िया अपडेट है, जो कि 14.0.3.0, उसको आप ट्राई यहाँ से कर सकते हैं। लिंक यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। और गैज, यहाँ पर अगर आप Redmi 12 4G मॉडल यूज़ करते हो तो वो इसका जो अपडेट है वो यहाँ पर 1.0.2.0 जो है वो एंड्रॉइड 14 के साथ जो है वो देखने को मिल गया है। इस अपडेट में आपको January 24 का जो सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। देन इसके साथ मल्टीपल फीचर्स, नए एनिमेशंस और उसके साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन, स्क्रीन लॉक, यहाँ पर डायनेमिक रेंडरिंग टेक्नोलॉजी के जो फीचर्स हैं वो मिलते हैं। और यहाँ पर आपको मल्टी टास्किंग का भी फीचर मिलता है, जिसमें आप काफ़ी मल्टी टास्किंग वगैरह कर सकते हो। और लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पर इनहेंस बाय मल्टीपल डायनेमिक जो रेंडरिंग के इफेक्ट वो आपको यहां पर मिलते हैं। तो काफी सही अपडेट है और इसका जो रोल आउट वो स्टार्ट है, काफी जल्दी अपडेट इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। गैज, यहाँ पर अगर आप Redmi Note 13 Pro 5G मॉडल यानी कि Poco X6 Pro 5G मॉडल यूज़ करते हो तो भाई इसके लिए यहाँ पर 14.0.4.0 का एक नया अपडेट जो वो इंडिया में रिलीज़ कर दिया है MI पायलट टेस्टर और Poco टेस्टर्स के लिए। और Redmi 13C यानी कि Poco C65 के लिए यहाँ पर एक नया अपडेट जो वो देखने को मिला है, इंडिया के अंदर ही 14.0.4.0 है, जो कि भाई ऑलमोस्ट यहाँ पर कुछ जो टेस्टर्स हैं उनको मिला है, Poco टेस्टर और MI पायलट टेस्टर्स को। इसका रोल आउट स्टार्ट है, काफ़ी जल्दी अपडेट आपको सारे यूज़र्स को मिलेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो भाई अगर आप यहाँ पर पोको C55 यूज़ करते हो तो भाई इसका जो हाइपरवेस का अपडेट है वो पब्लिक वाला वो रोल आउट करना शाओमी ने स्टार्ट किया है। 1.0.2.0 जो कि भाई 4GB का यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि ये अपडेट काफ़ी बड़ा है, एंड्रॉइड 14 इसके अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर C55 यूज़ करते हो तो हाइपरवेस का रोल आउट स्टार्ट है, काफ़ी जल्दी ये सारे यूज़र्स को देखने को मिलेगा। और गैज, यहाँ पर Redmi 10 5G और Redmi 11 Prime 5G का रोल आउट स्टार्ट है, ग्लोबल में ये अपडेट देखने को मिल गया है। आज की डेट में इसका पायलट टेस्टर का जो प्रोग्राम था वो यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन आज की डेट में इसको जो है पब्लिक के लिए रिलीज़ करना शाओमी ने स्टार्ट किया। 1.0.2.0 है, एंड्रॉइड 14 के साथ ये अपडेट आया है। और इस अपडेट में आपको January 24 का जो सिक्योरिटी पैच है वो शाओमी ने इस अपडेट में आपको प्रोवाइड किया। दैन इसके साथ न्यू एनिमेशन लैंग्वेजेस, दैन इसके बाद मल्टीपल सपोर्ट जो फाउंड्स हैं मल्टीपल वो आपको मिलते हैं, रेंडरिंग वेदर एप्लीकेशन वगैरह, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन को रीडिजाइन भी किया गया, और भी बहुत सारे अपडेट्स और फीचर हैं जो कि यहां पर मिले हैं। गाइस, काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में पोको M5 यूज़ करते हैं, तो M5 के लिए 1.0.3.0 का एंड्रॉइड 14 के साथ ये अपडेट जो है वो रोल आउट शाओमी ने कर दिया है। आज की डेट से इसका पब्लिक रोल आउट भी स्टार्ट हो गया और ये काफ़ी सारे यूज़र्स को ऑलरेडी मिल भी चुका है। जिनको नहीं मिला है उनको आज की डेट से मिलना स्टार्ट हो गया। ये एंड्रॉइड 14 के साथ आया है, January 24 का सिक्योरिटी पैच है और इसमें आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर और बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे ही डिवाइसेज में सेम एज मिल रहे हैं। तो ये अपडेट काफ़ी सही है, पोको M5 के लिए इंडिया में रिलीज़ कर दिया है। और जो लोग इंडिया में पोको X5 Pro यूज़ करते हैं तो इसका भाई पब्लिक रोल आउट कंटिन्यू स्टार्ट है, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। इसका 4.8 GB का जो ऑफिशियल वर्जन है स्टेबल वाला वो शाओमी ने यहाँ पर रिलीज़ किया है। ये शाओमी के ऑफिशियल सर्वर पे देखने को मिलेगा, इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो अगर अभी तक आपको ये अपडेट नहीं मिला तो इसका लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि स्टेबल पब्लिक बिल्ड वाला है। अगर आप पहले यूज़ करो तो वो बीटा अपडेट है, लेकिन अब जो रिलीज़ किया गया है ये पब्लिक स्टेबल है। तो इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करके भी फ्लैश कर सकते हो।
गाइज अगर आप Redmi 11 Prime जो 4G मॉडल है वो यूज़ करते हो तो भाई इंडिया में इसका जो नया अपडेट है HyperOS का वो देखने को मिला है, जो कि 1.0.3.0 है, 3.9 GB का है और इस अपडेट में आपको Android 14 का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला है। और इस अपडेट की मैं बात करूँ तो एक वीक पहले इसका रोल आउट हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर पब्लिक के लिए रोल आउट करना Xiaomi ने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप Redmi 11 Prime 4G मॉडल यूज़ करते हो तो इसका अभी अपडेट इंडिया में आ गया है, ट्राई कर सकते हो। और भाई यहाँ पर Redmi Note 13 सीरीज़ का रोल आउट स्टार्ट है चाइना में, तीनों ही डिवाइसेस के अंदर Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro Plus 1.0.1.0 Android 14 बेस्ड अपडेट है, जो कि तीनों डिवाइसेस को सेम अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। तो अगर आप Redmi Note 13 Pro Plus या फिर Redmi Note 13 5G यूज़ करते हो तो इसका अपडेट इंडिया में आपको काफ़ी जल्द देखने को मिले, क्योंकि इसका रोल आउट Xiaomi ने स्टार्ट कर दिया है। और गाइज यहाँ पर Xiaomi 12S जो है उसका रोल आउट Xiaomi ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आप देखोगे 1.0.3.0 का ये अपडेट है और यहाँ पर ये जो अपडेट है वो 5.4 GB का देखने को मिलता है, क्योंकि भाई ये अपडेट बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं और Android 14 का भी सपोर्ट मिला। हालांकि अभी चाइना में रिलीज़ किया गया है, काफ़ी जल्द इसका रोल आउट ग्लोबल दैन इंडिया वगैरह में इसके जो सपोर्टेड डिवाइस है उनको अपडेट यहाँ पर मिलेगा। गाइस हमें Xiaomi 12 Pro के लिए एक नया अपडेट दोबारा से रिलीज़ कर दिया गया, क्योंकि सेकंड वर्जन है 1.0.2.0 है और ऑलरेडी 1.0.1.0 का जो अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दिया, लेकिन 1.0.2.0 भी यहाँ पर देखने को मिला, जो कि 5.3 GB का है। लेकिन ये अपडेट अभी चाइना में देखने को मिला, पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि इंडिया में भी काफ़ी जल्दी अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में काफ़ी यूज़र यहाँ पर Xiaomi 12 Pro का वेट यहाँ पर कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर Xiaomi ने HyperOS के साथ Android 13 वाले भी अपडेट रोल आउट करना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर Xiaomi 12X के लिए 1.0.2.0 है और यहाँ पर Android 13 के साथ ये अपडेट जो वो रिलीज़ किया गया है, ये पहला अपडेट है जो कि Android 13 के साथ आया है, क्योंकि अभी Android 13 वाला रोल आउट स्टार्ट नहीं हुआ है इंडिया या फिर ग्लोबल में, लेकिन चाइना में कर दिया है, क्योंकि चाइना के बाद ग्लोबल दैन इंडिया में ऐसे ही अपडेट्स मिलेंगे, क्योंकि क्वार्टर टू भी काफ़ी जल्द स्टार्ट होने वाला है। ये जो अपडेट है 1.0.2.0 है, जो कि 1.5 GB का, क्योंकि भाई इसका अपडेट इसलिए छोटा है क्योंकि ये भी 4 से 5 GB जा सकता था, लेकिन इसमें Android 14 नहीं है इसलिए इसका साइज जो है वो 1.5 GB है। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में जो अपडेट्स आएंगे यहां पर Android 13 वाले डिवाइसेज में वो भी यहां पर कुछ इसी साइज के मिलेंगे, 1.5 GB, 1.6 GB, अब 2 GB के आसपास तक जो है वो यहां पर देखने को ये अपडेट्स मिलेंगे। और गाइस यहाँ पर Redmi K50i को इंडिया में तो MIUI 14 मिल रहा है, लेकिन Redmi K50 को HyperOS का नया अपडेट देखने को मिल गया है, 1.0.2.0 है, जो कि 5.7 GB का है और ये जो है वो चाइना में भी रिलीज़ किया गया, MI पायलट टेस्टर्स को देखने को मिला, लेकिन अब इसका पब्लिक रोल आउट भी Xiaomi ने स्टार्ट कर दिया है। इस अपडेट में आपको मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ Redmi K50i की तो काफ़ी जल्द यार इंडिया में भी इसका रोल आउट Xiaomi कर देगा। यहाँ पर HyperOS के जो सिस्टम ऐप अपडेट है वो भी काफ़ी सारे डिवाइसेस में देखने को मिले। अगर आप Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro Plus यूज़ करते हो तो कुछ नए सिस्टम अपडेट देखने को मिले हैं, एंड्रॉइड एक्सेबिलिटी सूट का एक नया अपडेट जो वो देखने को मिला, ट्राई कर सकते हो। और डिजिटल वेल्विंग का भी एक न्यू अपडेट जो वो Xiaomi ने यहाँ पर रिलीज किया, इसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फाइल मैनेजर का भी एक न्यू अपडेट मिलता है जो कि Xiaomi HyperOS का ही अपडेट है। और यहाँ पर पर्सनल एंड सेफ्टी का भी एक न्यू अपडेट मिलता है जो कि आप ट्राई कर पाओगे। और यहाँ पर गूगल डायलर का भी अपडेट है जो कि ऑलमोस्ट काफी सारे डिवाइसेस को यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर प्राइवेट कंप्यूटर सर्विसेज का भी एक नया अपडेट मिलता है जो कि आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप Redmi Note 10 Pro और Max यूज़ करते हो तो उसके लिए भी कुछ सिस्टम ऐप अपडेट्स मिले हैं। यहाँ पर देखोगे सिक्योरिटी ऐप का एक लेटेस्ट अपडेट मिला है, ये जो अपडेट है वो यहाँ पर आपको सिस्टम ऐप अपडेटर में जो है स्टेबल वाला अपडेट देखने को मिला है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशंस मिलेंगे, ट्राई कर सकते हो। गूगल डायलर के भी एक न्यू अपडेट मिलता है, इसमें आपको वॉइस जो असिस्टेंट का फीचर है वो मिल जाता है और प्राइवेट एंड कंप्यूटर सर्विसेज का भी एक फीचर मिलता है जिसको आप यूज़ कर पाओगे। पर्सनल एंड सेफ्टी का भी अपडेट मिलता है जिसके अंदर आपको सेफ्टी के नए डिजाइन देखने को मिलते हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे मल्टीपल अपडेट जो कि यहाँ पर Redmi Note 10 Pro और Max को देखने को मिले हैं। Redmi Note 10, Redmi Note 10S के लिए भी यहाँ पर प्राइवेट कंप्यूटर सर्विसेज का नया अपडेट मिला है, जिसमें यहाँ पर एक गूगल डायलर का भी मिला है, जिसमें आप देखोगे गूगल असिस्टेंट का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट ये सारे ही अपडेट्स यहाँ पर अवेलेबल है जिनको आप ट्राई कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।